सड़कें बना दी हैं, आने वाले समय में एरोप्लेनों का क्या होगा? क्योंकि अगर हम आज भी दिल्ली जाते हैं, अगर देहरादून से दिल्ली जाना होता है तो हमें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, फिर 1 घंटा एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लगता है, आधा घंटा फिर जो है जहां हमारा जाना होता है उस जगह के लिए लगता है, यानी कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे फिर भी लग जाते हैं। और आप सड़क बना देंगे, जो आपने सड़क स्वीकृत करी है, तो उसके बाद मात्र 2 घंटे में पहुंचेंगे। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, केवल दिखने में स्मार्ट नहीं है तो काम करने में भी स्मार्ट है, ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय मदन जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अजय भट्ट जी, संसद में मेरी सहयोगी, कि ये देवों की भूमि है और इसलिए उत्तराखंड की जनता भी पूरे रूप से पूरे देश को, देश की जनता उत्तराखंड को और उत्तराखंड की जनता को देव के रूप में मानती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हमारे आस्था के, हमारे श्रद्धा के प्रतीक है और केवल हिंदुस्तान से ही नहीं तो पूरे दुनिया से लोग इस देवभूमि में आते हैं। हमारी पवित्र गंगा, इसका उगम स्थल उत्तराखंड में है और मेरा यह सौभाग्य रहा है कि गंगा को अविरल और निर्मल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर प्रधानमंत्री जी ने दी थी और उस समय 25,000 करोड़ रुपए के अविरल निर्मल गंगा के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया था, उसमें से 80% कार्यक्रम मेरे कार्यकाल में पूरे हुए और गंगा शुद्ध करने का भी काम मुझे मिला। मैं जब प्रयागराज में गया था तो साधु संतों ने मोदी जी की दिक्कत जो थी वो रास्तों की थी, और मैं भी अक्सर लोगों को एक बात बताता था, और मैं आज आपको आह्वान करने के लिए आया हूं कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, उत्तराखंड के तकदीर को बदलना, उत्तराखंड को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना। और वो जो किसान है, मैं भूल गया, मैं 3 चीनी मिले चलाता हूं, मैं किसान हूं, इस देश में मैंने इथेनॉल लाया है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अब गाड़ियां पेट्रोल पर चलेगी नहीं, फ्लेक्स इंजन आएगा और उसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाएगा, इसका ऑर्डर मैंने निकाल दिया है। टीवीएस और बजाज की मोटरसाइकिल आई है धामी जी, 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और मैं अभी मेरठ में इसका उद्घाटन किया तो मुझे एक नए